हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ सीरियस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ऐसे कैसे हो जाते हैं लोग। मतलब आप लोगों ने, सभी ने एक मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने एक आप लोगों को बताया था कि जो फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए एक वैक्स के बारे में बताया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो ये मैं यहाँ पे वीडियो शेयर करती हूँ, तो आप वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे इस वीडियो में मैं आगे सामने लगा रही हूँ, मतलब वीडियो लगा दूंगी, वो आप देख लेना एक बार। तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं द वेलनेस शॉप के टर्मरिक फेशियल वैक्स के बारे में। ये है एक पेनलेस वैक्स या फेशियल हेयर रिमूव करने का तरीका। तो आपने क्या करना है, एक पाउडर लेना है जितना आपको चाहिए और पानी के साथ उसको मिक्स करना है। मैंने इसमें ऑलरेडी पानी डाल रखा था। इसका जो पेस्ट बनाना है, ज़्यादा ना थिक होना चाहिए ना ज़्यादा वाटरी होना चाहिए। तो अपने पेस्ट को मैंने तैयार कर लिया और फिर इस तरह से फेस पर लगा दिया है। और इसके बाद इसको सिर्फ आपने 5 मिनट के लिए अपने फेस पर रखना है और 5 मिनट के बाद आप इसको एक वेट क्लॉथ से हटा देंगे, बिल्कुल जैसे मैं हटा रही हूँ। और गाइज, मैं इसको एक थम्स अप देना चाहूँगी क्योंकि मैंने इसमें सच में अपने फेस पर इम्प्रूवमेंट देखी। फेशियल हेयर जा चुके हैं आप। तो इसमें आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि मैंने कौन से ब्रांड का फेशियल वैक्स पाउडर यूज़ किया है। और ये कोई प्रमोशन की वीडियो नहीं थी, ये एक जेन्युइन रिव्यू वाली वीडियो थी। मतलब मैंने, मुझे खुद फेस में हेयर है तो मैंने इनको रिमूव करने के लिए उसको यूज़ किया था। इसलिए मैंने सजेस्ट किया आप लोगों को भी कि आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ठीक लगी और मेरी स्किन को ये सूट की। जबकि मैंने ये भी उसमें बताया है कि आप लोग इसमें पैच टेस्ट भी ज़रूर कर ले। सॉरी, तो एक्चुअली क्या होता है कि वैसे कुछ ब्रांड्स के साथ जैसे कोलैबोरेट, मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं तभी कोलैबोरेट करूँ किसी ब्रांड के साथ कि जब मैंने उनके प्रोडक्ट्स खुद यूज़ किए हों। तो अगर नहीं यूज़ किए हैं तो मैं ऐसे ब्रांड के साथ कोलैबोरेट नहीं करती। लेकिन इस बार मेरे साथ कुछ एक अजीब सी चीज़ हुई है, मतलब पहले नहीं हुई तो मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप अभी एक आईडी में यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ इंस्टाग्राम से। अब मुझे नहीं पता कि वो जेन्युइनली कुछ ऐसे वैक्स पाउडर सेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनका वैक्स पाउडर कभी यूज़ नहीं किया है। जब मेरे तक ये बात पहुंची कि वो मेरे उसकी एड लगाकर मेरी वीडियो यूज़ करके अपने वैक्स पाउडर की प्रमोशन कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को ये बता देना चाहिए। क्योंकि मेरे ही बहुत सारे जो नोन लोग हैं, उन लोगों ने वो वीडियोस देखी और उसमें अराउंड बहुत सारे लोग देख चुके, 3 लाख 3-4 लाख लोग देख चुके हैं उसको ऑलरेडी, और उसको देख के ले भी रहे हैं उस वैक्स पाउडर को। तो मुझे कोई इशू नहीं हो सकता उनका वैक्स पाउडर अच्छा हो, या मुझे नहीं पता कि अच्छा है या नहीं है, आई डोंट नो अबाउट दैट। बट वो विदाउट माई परमिशन मेरी वीडियो यूज़ कर रहे हैं जिसमें मैंने उनका प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है। अगर मैंने उनका प्रोडक्ट यूज़ किया होता और फिर वो मेरी वीडियो यूज़ कर रहे होते तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मैंने जब उनका प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं किया है, उसके बावजूद वो मेरी वीडियो ऐसे अपने प्रमोशंस के लिए यूज़ कर रहे, तो वो चीज़ गलत है। आई थिंक आपको भी गलत लग रही होगी। तो ये चीज़ मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि अगर आप लोग उसको यूज़ कर लेंगे और आपको एलर्जीज हो जाएगी, फिर आपके आप मेरी प्रोफाइल पे आके बोलेंगे कि आपने ये प्रमोट किया था तो फिर इस वजह से हमने यूज़ किया। तो मैं ऐसा नहीं यूज़ कर रही। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पे एक वो वीडियो शेयर कर देती हूँ, आप वीडियो देख लीजिए और वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि कौन है वो। आईडी मेंशन कर रही हूँ, साथ के साथ वीडियो भी दिखा रही हूँ आप लोगों को। साथ में कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं अटैच कर दूँगी, मैंने उनको मैसेज भी किया है। इनफैक्ट मेरी एक कज़न ने उनको कमेंट करके भी लिखा है। जिस दिन मैंने उनको मैसेज किया उसी दिन मुझे उन्होंने ब्लॉक कर दिया। और आईडी, मैं एग्जैक्ट आईडी आपको बता दूंगी, उन्होंने मुझे उसी दिन ब्लॉक कर दिया है अपनी आईडी से। और उसके बावजूद भी वो प्रमोशन चलती रही। उन्होंने बोला आई विल चेक इट, चेक इट लिख के मुझे ब्लॉक करके वो वीडियो की प्रमोशन वो उसी तरीके से चलाते रहे। तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये चीज़ सही तो है नहीं, मतलब मुझे तो सही नहीं लग रही। ठीक है, हाँ, अगर मैं उनका प्रोडक्ट यूज़ करती तो सही था कि हाँ आप करो प्रमोशन, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, उन्हीं का प्रोडक्ट यूज़ किया। लेकिन जब मैंने वो चीज़ यूज़ ही नहीं की है उसके बावजूद वो ऐसे प्रमोट कर रहे, तो वो चीज़ बहुत गलत है। और मैं किसी को इसे मिसलीड नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं आप सब लोगों को बता रही हूँ कि प्लीज़ आप इस आईडी को चेक कीजिए एक बार। इनफैक्ट मैं कमेंट बॉक्स में
पिन कर दूंगी आईडी, आप वहां देख सकते हैं। देख के उन्होंने ऐसे नहीं, वो सिर्फ उन्होंने एक होता है एड लगा रखी है मेरी वीडियो की, जिन्होंने देखी है उन्होंने देखी है, उनको पता होगा। तो प्लीज़ इस कंसर्न में मेरी हेल्प कीजिएगा एंड काइंडली रिपोर्ट दैट आईडी, क्योंकि मुझे, और अगर रिपोर्ट नहीं भी करना चाहते आप तो एटलीस्ट उनकी आईडी पर ट्रस्ट मत कीजिएगा, वहां से वो पाउडर अभी मत मंगवाइएगा, क्योंकि मैंने तो वो यूज़ नहीं किया है। जो मैंने यूज़ किया है वो ये वाला है जो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आप लोगों को, स्क्रीन पर आपकी दिख रहा है अभी। तो मैंने ये वाला वैक्स पाउडर यूज़ किया है और मेरे पास यही वैक्स पाउडर है। इनफैक्ट जस्ट मिनट, मैंने अभी निकाला नहीं है, मैं उसको दिखा भी देती हूँ आप लोगों को लाइव की कहाँ पे मेरा वो वैक्स पाउडर है, कौन सा यूज़ करती हूँ। तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ और अभी ये मैंने आपको सामने भी दिखा दिया कि मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ। सॉरी, ये खुला हुआ है क्योंकि मैंने यूज़ किया है ऑब्वियसली, इसलिए खुला है। तो मैं ये टर्मरिक फेस वैक्स यूज़ कर रही हूँ जो कि क्लियरली लिखा है ऊपर द वेलनेस शॉप का है, और मैंने ये द वेलनेस शॉप से ही लिया है। मैं आपकी आईडी में, मैं इधर दिखा दूंगी उसकी फ़ोटो, तो आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं। ये वेलनेस शॉप से लिया गया है, ये वो नहीं है जिसमें मेरी वीडियो यूज़ की जा रही है। मैंने ये नहीं यूज़ किया कभी भी नहीं, मैंने आज तक सिर्फ एक ही फेस वैक्स पाउडर यूज़ किया है, वो ये है। किसी को स्किन में एलर्जीज हो, किसी को कोई इश्यूज हो जाए, वो मैं नहीं चाहती, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। तो प्लीज़ आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब लोगों को पता चल सके, जैसे उन्होंने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा आगे आगे तक लोगों तक पहुंचा दिया और काफ़ी सारे लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि मतलब मेरे नाम से वो यूज़ हो, ठीक है, मतलब जो लोग मुझे देख के उसको यूज़ कर रहे हैं कि हाँ वो भी अगर यूज़ करती है, जो भी अगर 5 लोग भी कर रहे हैं तो मैं वो भी नहीं चाहती। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो भी आप लोग को लगता है कि हाँ उन लोगों ने ये यूज़ किया हो सकता है प्रोडक्ट, उनको बताइएगा कि मैंने वो नहीं किया है, मैंने ये यूज़ किया, आप ये खरीद सकते हैं, क्योंकि इसको मैं यूज़ करके बता रही हूँ कि मुझे इससे कोई एलर्जी नहीं हुई। मैंने पैच टेस्ट भी किया तो उसके बाद स्किन पे भी लगाया था, थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ कुछ लगाया है मुँह पे, पर उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, थोड़ी हल्की सी ऐसे चिरमिरी जलन होती है स्लाइटली वो भी, और उसके बाद ठीक हो जाता है आप अगर ठंडे पानी से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो बस इतनी सी बात थी, मैं मुझे लगा मुझे आप लोगों को बता देनी चाहिए, तो मैंने आप लोगों को बता दी। अब आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस, और थोड़ा आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोगों को भी कभी ये वीडियो देखने को मिली हो तो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी उस वीडियो के स्क्रीनशॉट्स आप मेरे तक भेजिए, ताकि मैं अगली वीडियो में लोगों को दिखा सकूँ कि ये देखो स्क्रीनशॉट में झूठ नहीं बोल रही थी। फिलहाल मेरे पास जो एक दो स्क्रीनशॉट्स होंगे वो मैं आपको भेज दूँगी, ठीक है। फिर इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आप लोग बस थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ऐसे जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं तो सेफली यूज़ कीजिएगा, पूछ के यूज़ करना, मतलब मेरे नाम से तो कोई ऐसा यूज़ मत करना। मैं आपको बता दूंगी कि हाँ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो मैंने नहीं बनाया है तो मतलब मैंने नहीं यूज़ किया है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी आपको, ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और आप लोग एक काम कीजिएगा कि मुझे स्क्रीनशॉट्स भी डीएम कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे, अगर आप लोगों को वो वीडियो देखने को मिलती है तो। Thank you.